हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। अभी हम लोग हैं RRC पटना में, जो कि मौर्य लोग आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट के लिए आए हैं। यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग बात भी किए हैं, चेयरमैन सर से हम लोग मिले हैं। तो आइए, और हमारे साथ है उमंग स्टडी के हैं, हमारे साथ है सर, है सनोज सर है, आइए उनसे भी आपका बात करवाते हैं। हम लोग अंदर में गए हैं तो क्या क्या बातचीत हुआ है सर, बताइएगा कि क्या क्या हुआ है। फ्रेंड्स, सबसे पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आज आए हमारे साथ इस पीसफुल प्रोटेस्ट में, और हम लोग अभी चेयरमैन सर से मिल करके आ रहे हैं। तो चेयरमैन सर से बहुत पॉजिटिव हमें रिजल्ट तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, हमें एक आश्वासन ज़रूर मिला है कि हमारी बात को वो आगे कंसर्न अथॉरिटी तक पहुँचाएँगे। हम लोगों ने रिटेन में एप्लीकेशन दिया है, जिसमें हमारा जो भी मतलब कि समस्याएँ थी कि किस तरह से 2.5 साल से केवल नोटिफिकेशन निकाल करके किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम डेट, जो कि हम लोग मांग कर रहे हैं, हमें केवल एक एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट दे दिया जाए। हम लोग ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि हम लोगों को जैसे कि कल से ही एग्जाम करवा लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। SSC जैसी संस्थाएं प्रॉपर दिसंबर तक का अपना एग्जाम शेड्यूल जारी करके रखी है, तो आखिर रेलवे क्यों नहीं, जो कि आपका नोटिफिकेशन भी आप लोगों का जैसे कि ग्रुप डी का एप्लीकेशन स्टेटस भी पहले आया था, NTPC का एप्लीकेशन स्टेटस भी आया था। अच्छी बात है, NTPC की प्रक्रिया भी तेजी पकड़ चुकी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रुप डी के ऊपर जिस तरीके से चुप्पी साथ रखा है रेलवे ने, ये बिल्कुल ही मतलब कि जैसे कि सही नहीं है। जिस तरह से रेलवे खुद बोलती है कि आप लोग जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट के लिए केवल ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर, ऑफिशियल अपडेट के लिए, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं आए दिन फर्जी नोटिसेस वायरल होते रहते हैं, स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है, तो कहीं ना कहीं रेलवे को यहाँ पर आगे आ करके एक मतलब जैसे कि प्रॉपर शेड्यूल जारी कर दे कि हाँ, वो अब से इस तारीख को एग्जाम लेंगे, ताकि स्टूडेंट्स की परेशानियों को कम हो सके। और चेयरमैन सर ने हमें कहा है, हम लोगों ने रिटर्न एप्लीकेशन दे दिया है, वो हमारी एप्लीकेशन को बोले हैं, हमें रिसीविंग नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि वो हमारी बातों को आगे पहुंचाएंगे, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है। और उन्होंने कहा कि चूंकि RRB भोपाल ग्रुप डी के लिए नोडल एजेंसी है, इसलिए भोपाल ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, इसलिए आप लोग चले जाइए RRB पटना। तो अभी हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं RRB पटना में। अभी इसके बाद यहाँ पे हम लोग आए थे तो चेयरमैन सर से हम लोग का पोलाइटली बहुत बात हुआ है। मतलब कुछ बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो ज़रूर सक्सेस हुआ है। आगे हम लोग का कुछ प्रोसेस हुआ है, सर के द्वारा बात हुआ, हम लोग लेटर भी लिख के दिए हैं, हम लोग हैंड रिटन लेटर लिख के दिए हैं, सिग्नेचर किए हैं। सर के द्वारा यही बोला गया है कि आपका जो भी है, मतलब हम आपका आगे प्रोसेस को हम करवाएंगे। वो बोले हैं कि RRB पटना बोर्ड तक भी हम लोग बात पहुँचा देंगे, वो बोले हम लोग को कि आप लोग क्या कीजिए, RRB बोर्ड पटना में जाइए, यहाँ का प्रोसेस नहीं है। वो अपने तरफ से ऐसे बात पोलाइटली हुआ है, फिर भी वो अपने तरफ से नहीं अपना ऊपर रिस्क लेना चाह रहे हैं। हम लोग मेनली यही बोल सकते हैं कि जो भी हो, हम लोग आगे अपना इसको चलाएंगे, और हम लोग ग्रुप डी का डेट के लिए जितना हो सके अपने तरह से हम लोग ट्राई करेंगे कि कैसे भी हम लोग का सक्सेस हो जाए, है सर। बिल्कुल। तो आप सभी स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट होगा, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग अभी RRB, कोई लोग पटना के स्टूडेंट कोई वीडियो देख रहे होंगे, तो अभी हम लोग RRB पटना महेंद्रू घाट पहुँच रहे हैं, आप लोग आइए। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम में जोड़ें, ताकि रेलवे के ऊपर प्रेशर बने और वो हमें एक एग्ज़ाम डेट जारी करें हमारे लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से बने रहिए। और हमारे साथ आप भी अंदर में गए थे, हम लोग 4 लोग गए थे, चलिए कुछ बात कर लेते हैं। अंदर गए थे तो आपको क्या माने बात हुआ, क्या लगा? वही हुआ, अभी तो कोई रिस्पांस लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ संतावना मिला हम लोगों को कि एग्ज़ाम डेट RRB करा रही है, आप RRB के पास जाइए, RRB भोपाल इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं RRB पटना के पास, और इनको भी एप्लीकेशन दे ही दिए हैं, और फिर अब वहाँ देखते हैं वहाँ क्या निष्कर्ष मिलता है। तो अब हम लोग का यही है कि अब हम लोग जा रहे हैं RRB पटना, जा रहे हैं महेंद्रू के पास। तो जो भी स्टूडेंट है, जहाँ पे RRB पटना से महेंद्रू के सामने ही है, तो आप लोग भी अपना आके थोड़ा सा सहयोग कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का रेलवे का कोई भी या गवर्नमेंट जॉब का किसी भी अपडेट के लिए, आगे का अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।